Hello everyone, this is Kuldeep Deka presenting to you the video from menstruation. This is a topic from circle. ठीक है, menstruation आपको पता है शायद कि बहुत ही एक vast topic है जिसमें आपके पास circle हो, parallelogram हो, rectangle हो, square हो, आपके पास कुछ भी semi circle हो, बहुत सारा vast चीज़ें include होता है जिसमें two dimensional and three dimensional दोनों चीज़ें include होते हैं। मैंने सोचा है कि हम लोग menstruation का एक सीरीज शुरू करेंगे। इस menstruation के सीरीज में हम लोग आज जो कवर करेंगे, there will be every questions from the topic that is circle। ठीक है, तो circle इसके बाद आपको कुछ problem नहीं करेंगे। इस video को आप जरूर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो। इसमें जिसको डाउट है कि फॉर्मूलाज कैसे याद रखें, उसको भी याद करने का एक तरीका बता देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बरकरार रहेगा। और जो बच्चे स्पेशली घर पर बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं क्लास बिल्कुल नहीं ले पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से, तो एज सून एज क्लास खुलेंगे हम लोग अच्छी तरह से और क्लास करेंगे। तो तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, घर में बैठ के थोड़ा वीडियोस से एंजॉय कर सकते हो, कैसे आप लोग को टॉपिक आसानी समझ में आए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ सर्कल इन अ वेरी स्मार्ट वे। तो सब तैयार है, एकदम तैयार है एकदम, तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और हम लोग बेहतरीन क्लास करेंगे। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सर्कल। नाउ व्हाट इज सर्कल? आप एक काम करो, इस फिगर को और मेरे शक्ल को ध्यान से देखो। ठीक है, दोनों पूरा मैच कर रहा है, कर रहा होगा आपको। मैं इसी फिगर का और इस शक्ल के बीच में एक आपको अच्छा सा तालमेल दिखाऊंगा, जिससे आपको सर्कल पूरा का पूरा समझ में आ जाएंगे। तो क्या होता है एक्चुअली, देखो सर्कल क्या होता है। सर्कल आप क्लास सेवन में बोलोगे तो बोलोगे भैया गोल फिगर होता है, वही सर्कल है। अभी आप थोड़ा सा मैच्योर्ड हो, आप ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या बोलोगे? सर्कल जो होता है, सर्कल होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट या फिर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट का इक्विडिस्टेंट जो सीमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। मतलब अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लोकस ऑफ अ पॉइंट डेट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इधर से इसका दूरी या फिर इधर से इसका दूरी या फिर इधर से इसका दूरी, सब आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स डेट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये होता है सर्कल। तो अब कैसे बोल रहा हूँ, जो मेरा नाक है, ठीक है, जो मेरा नाक है ये अगर मेरा सेंटर है, तो यहाँ से इसका दूरी, यहाँ से इसका दूरी, यहाँ से इधर तक का दूरी या फिर यहाँ से इधर तक का दूरी आपका सेम है, ये है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो एकदम छोटे छोटे तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग 10 साल तक ना भूलो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट है सारे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स से, तो टेन्ने होले ए पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोले को सेंटर बोले को। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट या फिर इस पॉइंट से कुछ इस पॉइंट, अगर इन दोनों के मैं ज्वाइन करा देता हूँ, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करा देता हूँ, तो ये जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर में एक कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल फिगर में इसको एक कॉर्ड बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का दूरी इसको हम लोग इक्विडिस्टेंट मानते हर बार, है ना। तो इस इक्विडिस्टेंट वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम अपने अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेडियस बुली क्वाजाई वस्तु। ठीक है, तो यू वस्तु की है तो कॉर्ड है, यू कॉर्ड है, तो जिमाने मैं ऊपर गई मोर कॉर्डडल डांगर हो जाए से, হয়নে মোর কর্ডাল ডাঙর হয়ে যায় আছে। তো হোয়াট ইজ টুয়াইস অফ রেডিয়াস, রেডিয়াস কা দোগুনা জাদা ক্যা হতে, দ্য কর্ড দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য সেন্টার ইজ কল্ড দ্য ডায়ামিটার। ঠিক আছে, দ্য কর্ড দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য সেন্টার ইজ কল্ড দ্য ডায়ামিটার। और जो डायमीटर होता है वो हमेशा ही रेडियस का दोगुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस था, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो ये पूरा का पूरा अगर मैं देखूँ तो ये अगर डायमीटर है तो ये रेडियस क्या है, दो रेडियस उसमें घुसने के बाद एक डायमीटर बना है, है ना। तो इससे मैं ये डिनोट कर सकता हूँ, डायमीटर जो है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये भी चीज़ आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आहिस्ते समझ में आ रहा है। तो ये सेंटर से यहाँ तक का दूरी रेडियस, सेंटर से यहाँ तक का दूरी रेडियस, तो ये दोनों साइड से अगर मैं इसको टच करवा देता हूँ और अगर वो पास होता है सेंटर से, तो डेट इज़ द डायमीटर। तो इससे मुझे क्या पता लगता है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं छोटा असम गवर्नमेंट के एग्जाम में, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद
उसके बाद आपको क्या जानना है, अब इस वाले पार्टिकुलर जो आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ये जो नीला नीला लाइन है जिसको मैंने अभी लाल बना दिया है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर या फिर सर्कल का जो आउटर कास्ट लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज ट्वाइस पाई आर होता है, ठीक है, डेट इज ट्वाइस पाई आर होते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि आर जो होते हैं वो डी का आधा भी होते हैं, है ना, आर जो होते हैं ये डी का आधा भी होते हैं। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला और खुद से बना सकते हैं कि सर ट्वाइस पाई जैसा है वैसा तो लिख लिया मैंने, आर को मैंने चेंज करवा दिया डी बाई टू से, तो जब ये टू से टू कैंसिल हो जाता है तो आपके पास जो आंसर बनेंगे ये पाई डी भी बन सकता है। तो अगर आपके फॉर्मूला में या फिर अगर आपके क्वेश्चन में सर्कमफरेंस निकालना हो और आपको रेडियस दिया हो तो आपके लिए ये फॉर्मूला रहेंगे, और अगर आपके क्वेश्चन में सर्कमफरेंस निकालना हो और डायमीटर दिया हो तो आपके लिए ये फॉर्मूला रहेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा दो फॉर्मूला था, इसको अगर याद हो गए होंगे, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए और क्या है, नेक्स्ट आपके लिए है कि अगर मुझे ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए तो, अगर मुझे ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए तो तेने हले जो मैं कह मोर घर प्लट तो एने गोल फिगर है, मैं जो वाल गाँव लगे मैं वाल ये गाँव लगे, और जो मैं खा चिटाब लगे मोर गोटेखि माटिख भर मैं खा तो एनेक चिटाम, तो खा चिटाबर कारण मैं चाह लगे एरिया कि जो मैं वाल गाँव लगे तेहले मैं चाह लगे सर्कमफरेंस कि है तेहले बुझी पासा। जो मैं तक आंगुठी बनाब लगे मैं कि चाह लगे आंगुठी तो एनेक नबनए आंगुठी बनबर कारण मैं ये सोन लगे तारे मैं चाह लगे ट्वाइस पायर तो चाह लगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तेहले व्हाट विल बी कन्सिडरिंग, हम लोग ने अभी एरिया के बारे में हम लोग ने अभी सर्कमफरेंस के बारे में बोल दिया, अभी हम लोग बात करेंगे एरिया के बारे में। तो ये पर्टिकुलर जो इनसाइड जो एनक्लोज सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आपके पास आर नहीं है और दिया है क्वेश्चन में डी, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई आर के रेस्पेक्ट में मैंने चेंज करके डी बाई टू कर दिया और इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये होंगे आपके पास पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। इधर आपको एरिया निकालने के लिए बोले सर्कल का, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अगर डायमीटर दिया हो तो आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जैसे जिसको अच्छा लगे, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा एक नया चीज़ जो आपने सीखे होंगे या फिर आप सबको जानना भी चाहिए, जैसे कि आपको दो चीज़ पता हो गया, एक आपको एरिया पता हो गया, एरिया जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, और जो आपके पास सर्कमफरेंस होता है इसको आपको याद रखना चाहिए ट्वाइस पाई आर होता है। पाई आर स्क्वायर के उल्टा आपके पास पाई डी स्क्वायर बाई फोर, इसको भी जानना चाहिए, और ट्वाइस पाई आर के टाइम पर अगर डी के रेस्पेक्ट में दिया है तो फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। ये दोनों को आपने अगर जान लिए होंगे तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग सेक्टर की ओर जा सकते हैं। सी अगर आपके पास एक सर्कल ये है, अगर आपके पास एक सर्कल ये है और आपका सेंटर है ये वाला, ठीक है, आपने दो पॉइंटों को मिला दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप बताओ इस सेक्टर का लेंथ कितना होगा, आप कैसे निकालते हो। आपको इस सेक्टर का लेंथ निकालने के लिए आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच का एनक्लोज्ड एंगल आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है। एनक्लोज्ड एंगल जो थे मुख एने क्वेश्चन में दी थोड़ी समय थीटा बोली क्वेश्चन बाद थोड़ी समय 45 डिग्री बोली थीटा वैल्यू। नाउ हाउ टू फाइंड, से इस पर्टिकुलर एरिया हम लोग कैसे, इस पर्टिकुलर का हम लोग जो ये एनक्लोज लाइन है इसका हम लोग कैसे निकालते हैं लेंथ, इसको लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पूरा का पूरा कितना था, पूरा का पूरा था ट्वाइस पाई आर, पूरा का पूरा था ट्वाइस पाई आर। आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू का लेंथ चाहिए, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा थीटा कितना होता है 360 होता है, आपको इसमें से बस 45 वाला पार्ट चाहिए, तो ये थीटा डिवाइड बाई 360 होता है, ठीक है, याद रहेंगे चीज़। अगर आपको इस चीज़ का लेंथ निकालने के लिए दिए हो तो आप क्या कर सकते हो, ट्वाइस पाई आर जो ये पूरा का पूरा था इसमें से आपको कितना भाग लेना चाहिए, थीटा बाई 360 लेना पड़ेगा, थीटा बाई 360, पूरा का पूरा 360 होता है। इसलिए अगर सेम क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ का एरिया आपको निकालना है,
ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ का आपको एरिया निकालना है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, सेक्टर का एरिया या फिर लेंथ का एरिया तो मैंने बोल ही दिया, तो इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, मतलब ये जो पूरा का पूरा दागी मैंने कर दिया, तो इसका निकालने के लिए आपके पास पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है। तो उसमें से भी हम लोग कितना लेंगे, थीटा बाय 360 लेंगे, और ये थीटा वाला वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ बेसिक तरीका था या फिर बेसिक कुछ फॉर्मूला था जो आपको जानना चाहिए, और सर्कल क्या होते हैं मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया शायद। और आप एक चीज़ नोट करना, देखो जब भी आपको एरिया ऑफ अ सर्कल चाहिए या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल चाहिए, तब हमेशा एक चीज़ आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको रेडियस जानना पड़ेगा। जब तक आप रेडियस नहीं निकाल पाओगे, आप इनमें से कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। जब तक क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है तब तो अच्छा बात है, आप रेडियस देने पे कहीं पे भी फॉर्मूला पे डाल सकते हो, लेकिन अगर रेडियस नहीं दिया है तब आप कैसे निकालते हो, और इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या क्या है हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। तो मेन टारगेट हमारा क्या रहेंगे, रेडियस फाइंड करना। रेडियस अगर मैं फाइंड कर पाता हूँ तो मैं कहीं एरिया पर भी जा सकता हूँ, मैं किसी का सर्कमफेरेंस भी निकाल सकता हूँ। तो आपको एरिया ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको निकालना हो तो अगर मान के चलो कि आपको थीटा 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो 1/8 आ जाएंगे, और रेडियस आपको दिए होंगे तो आप एरिया ऑफ अ सेक्टर भी आप निकाल सकते हो। और आपको अगर थीटा फिर से कुछ 90 डिग्री दिए होंगे, 90 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो 1/4 होंगे, रेडियस आपको दिए होंगे, तो डेफिनेटली आप उसमें लेंथ ऑफ अ सेक्टर भी निकाल सकते हो। लेंथ आपका ये वाला था और आपको एरिया बोले तो आपके पास ये वाला था, ठीक है। तो ये समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ा सा सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास सर्कल है, एक सर्कल को मैं आधा कर देता हूँ फ्रॉम द डायमीटर, डायमीटर से अगर मैं एक सर्कल को फोल्ड कर देता हूँ तो वो बन जाएंगे आपके पास आधा सर्कल। तो आधा सर्कल को एक्चुअली इंग्लिश या फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल टर्म्स में बोलते हैं इसको सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के लिए आपको दो चीज़ और आपको पता होना चाहिए, एक एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, मतलब एरिया ऑफ आपको सेमी सर्कल अगर आपको निकालना हो, और आपको अगर सर्कमफेरेंस निकालना हो ऑफ दिस सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। इसको कैसे निकालते, देखो एरिया मुझे पूरा का पूरा सर्कल का पता था कि पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया मुझे पूरा का पूरा सर्कल का पता था पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मुझे सेमी सर्कल का चाहिए तो ये आधा होंगे, तो इसलिए इसको बोला जाता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हो किसी भी सेमी सर्कल का एरिया। इसके बाद सर्कमफेरेंस निकालना है, मुझे पूरा का पूरा पता था ये सर्कमफेरेंस जो था ट्वाइस पाई आर का था, मुझे अगर सेमी सर्कल का निकालना है, ये वाला निकालना है, तो मुझे आधा निकालना पड़ेगा, आधा किसका, ट्वाइस पाई आर का। तो इससे देख सकते हो आप हाफ है इसमें टू है तो कैंसिल चला जाएगा, इन दोनों कैंसिल करेंगे तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल जो होता है ये पाई आर होंगे। आप इन सबको याद करने की जरूरत नहीं, आप इस चीज़ को बस याद रखो कि अगर मुझे ये दोनों याद होता है तो इससे आधा आधा होता है एक्चुअली सेमी सर्कल, ठीक है। आप इसमें हाफ मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्टली क्वेश्चन तक जा सकते हो। अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे तो लेट अस गो टू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक सर्कल। इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे रेडियस निकालना है और आपको एरिया दिया हुआ है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हाउ टू डू, आपको रेडियस निकालना है और एरिया क्या दिया हुआ है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर का, एरिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एरिया मुझे पता है ये पाई आर स्क्वायर होंगे, और ये 616 पाई का मतलब 22/7 लिख लिया, आर स्क्वायर या फिर आर मुझे निकालना है अभी थोड़ी देर में, 616 हो गया। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है, और ये नंबर 11 से कितने बार जाएंगे, 11 से ये 5 बार 55, तो 6 रिमाइंडर 66, तो ये 6 बार 11 से। अच्छा कैसे पता लगता है एक नंबर 11 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, चलो ये तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर कैसे पता लगेंगे। सपोज एक नंबर है, ये मैंने नंबर बोल दिया, ये सब आपके पास फर्स्ट प्लेस में है, ये सेकेंड प्लेस में है, ये थर्ड प्लेस में, ये फोर्थ प्लेस में है। जो नंबर ऑड नंबर प्लेसेस में है, जो नंबर ऑड नंबर प्लेसेस में है, इन लोग को हम लोग ऐड करते हैं, मतलब पांचवा नंबर होता तो इसको भी ऐड करता, ठीक है। जो नंबर ऑड प्लेसेस में है इसको ऐड करना पड़ता है, जो नंबर इवन प्लेसेस में है इसको ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद इसको अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, अगर मेरा वैल्यू 11 आए या फिर 0 आए, 11 या फिर ऐसा एक नंबर जो डिविजिबल होता है 11 से, ऐसा नंबर या फिर 0 आए, तो मुझे पता लगेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब इसके टाइम पे देखते 6 है, ये 6 है, 12 है, इसको ऐड करने के बाद अगर मैंने सबट्रैक कर दिया, इसको भी ऐड करते ना, इसको ऐड करने के बाद अगर मैंने सबट्रैक कर दिया, ऑड प्लेस में क्या है 1 है,
इवन में वन है, तो 12 माइनस वन करेंगे तो 11 होता है, तो 11 हो या फिर 0 हो तो आपके पास ऐसे नंबर डिविजिबल होंगे 11 से। ठीक है, आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कम से कम आपको ये वाला तरकीब जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? कि मेंस्ट्रुएशन में पाई होता है और पाई वाले चीज़ को कैंसिल करने के लिए आपको पता होना चाहिए बड़ा नंबर डिजिट आपके पास जो होंगे कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। तो 256 और 2 से फिर से ये 28 बार गया आपके पास, फिर आर स्क्वायर का मान कितने हो गए 28 इंटू सेवन आर स्क्वायर का मान हुआ। अब इसके बाद 2 आर स्क्वायर, 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 4, और ये 7 आर स्क्वायर का मतलब इतना है, तो मैं आर एक एक लेना पड़ेगा, ये दो दो आर घुसा हुआ है इसमें, तो एक 7 ले लिया, इन दोनों में से 4 में से आपके पास दो दो घुसा होता है, तो मैं एक 2 ले लेता हूँ, तो आर का मान होता है 14। तो बिना स्क्वायर रूट निकाले भी आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था एपीएससी की फॉरेस्ट रेंजर के पेपर में 2016 में। तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर ही आया हुआ था। क्वेश्चन में ये है कि ए सर्कल हैज एरिया व्हिच इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल, द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज। एक सर्कल का एरिया दूसरे, सपोज ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का एरिया जो है ये 100 गुना बड़ा है एक दूसरे सर्कल से, तो आपका सर्कमफेरेंस का एरिया का जो सर्कमफेरेंस का आपके पास जो रेशियो है उसका रेशियो क्या होंगे एक्चुअली वो पूछ रहे हैं। तो आपको सर्कमफेरेंस मतलब ये वाला पार्ट का और ये वाला पार्ट का रेशियो पूछे, जो पूछे उसको वो पहले शुरू करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे सर्कमफेरेंस एक का इसका मान लेते हैं ये बड़ा वाला आर है, ठीक है, ये बड़ा वाला आर है और ये छोटा वाला आर है, ये बड़ा वाला आर है और एक दूसरा एक छोटा वाला आर है, ये बड़ा वाला आर है और एक दूसरा ये छोटा वाला आर है। तो बड़ा वाला आर डिवाइडेड बाय छोटा वाला आर आपको ये निकालना है। आप इसमें से देख ही सकते हो ट्वाइस पाई कैंसिल चला जाएंगे, तो आपको बस मान क्या निकालना है, आर बाय छोटा आर का आपको मान निकालना है। तो हाउ टू डू, एरिया का आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ छोटा वाला, अगर मैं बोलूँ कितना है 100 गुना बड़ा है एरिया, तो इसके टाइम पे ये 100 गुना यहाँ पे हो गया और नीचे मतलब अगर एक गुना हुआ तो ये 100 गुना हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एरिया मुझे पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर तो और ये भी पाई छोटा आर स्क्वायर होंगे, ये डिवाइडेड बाई 100/1, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल चला गया, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये बड़ा आर बाई छोटा आर इन दोनों पे ही स्क्वायर लगा देते, और इस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं 10/1 कर सकते हैं, इस पे भी स्क्वायर, स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर देते, तो बड़ा आर बाई छोटा आर कितना होंगे 10/1, यही तो पूछ रहा था, बड़ा आर बाई छोटा आर ही आपको निकालना है 10/1। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था आईबीपीएस की लास्ट ईयर के क्लर्क के पेपर में। या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीटेट से लिया मैंने ये क्वेश्चन, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पार्ट अराउंड अ सर्कुलर लॉन इज 440। इनर सर्कमफेरेंस दो होंगे, मतलब एक आपके पास ये और एक आपके पास सर्कुलर लॉन है, ये आपके पास एक लॉन है और इनर आपके पास जो बोला है ये वाला है फिर, ठीक है। तो इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर लॉन आपके पास क्या बोला है कि 440 है आपके पास, 440, और इसको मुझे पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है ट्वाइस पाई, ये छोटा आर कर देते, इस वाले के लिए छोटा आर ले लेंगे ये, ठीक है, ये छोटा आर होंगे इस वाले के लिए। तो उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द पाथ इफ द पाथ इज 440 मीटर वाइड। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एक कोई गार्डन है, इस गार्डन पे ये एक पाथ है, ठीक है, इस गार्डन पे ये एक पाथ है, जो ये पाथ है ये बोला जा रहा है कि ये 14 मीटर का है, तो ये जो लाल दाग दिख रहा है आपको ये आपके पास बोला है कि 14 मीटर वाइड का है, ठीक है, और आपके पास जो ये इनर सर्कमफेरेंस आपको बोल रहा है मतलब ये वाला पार्ट, ये जो आपको सांप दिख रहा है, ये सांप का मेजरमेंट कितना है 440 है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो ये आउटर सर्कमफेरेंस का ये आपके पास रेडियस कितना होगा, मतलब मुझे इतना तो मुझे निकालना है, इतने के बाद मुझे क्या करना है, बाकी ये 14 ऐड कर देना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू, आपको ये पूरा का पूरा मुझे पता है ट्वाइस पाई ये छोटा आर सर्कमफेरेंस बोला है कितना है 440 है, तो 2 से कैंसिल कर दे 220 बार चला गया, अब ये पाई का मतलब है 22/7 इंटू आर, ये 220 है, तो इसमें से कैंसिल करेंगे अभी हम लोग, 22 से कितने बार गया, 22 से 10 बार गया, तो आर का मान कितने होंगे 7, उस साइड चला गया तो 70 हुआ, आर का मान इस वाले आर का मान कितना है 70 है, इस वाले आर का मान 70 है, मुझे पूरा का पूरा रेडियस चाहिए था बिगर सर्कल का, तो 70 प्लस और एक 14 होंगे तो आंसर होंगे 84, तो ये आपके पास एक आंसर है, ठीक है, जो आपके पास
आया हुआ था सीटेट पे। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पर्सनली बहुत चहेता क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत पसंद करता हूँ। आपने भी कहीं देखे होंगे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल आपका इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, फिर फाइनली आपका एरिया में कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या बोला है, अगर आपके पास बोला जाए रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द डिक्रीज इन एरिया इन द फाइनल एरिया, ठीक है। डिक्रीज परसेंटेज कितना होंगे इन द फाइनल एरिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में कैसे क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली, सी लेट अस डू दिस क्वेश्चन। जो रेडियस है 20% डिक्रीज हो गया, मतलब 20 को मैं लिख कैसा सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 20% ये होता है 1/5। हमेशा याद रखना जब परसेंटेज से क्वेश्चन करते हैं, जब हम लोग किसी एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखना जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो इनिशियल या फिर ओल्ड वैल्यू होता है, ठीक है। जो पुराने टाइम पे था वो वैल्यू होते हैं, अभी नया कितना चेंज हुआ है ये आपके पास नया चेंज के बारे में ये बोलते हैं। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि पुराने टाइम पे अगर 5 हुआ करता था, अभी रेडियस 20% कम होने के वजह से आपका नया जो रेडियस बनेंगे वो बनेंगे फिर 4। समझ में आया होगा कितना चेंज, ये ऊपर वाला बता रहा है कितना चेंज, 5 से अगर ये कम हुआ है तो आपको 1 कम कर देना है, 4 कर देना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 20% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज़ का मतलब आपको अगर मैं बोलूँ कि इसका भी 1/5 होता है, अगर इंक्रीज़ हुआ है, पहले आपके पास 5 था तो अभी कितने होंगे, 6 होंगे, फिर इस तरह से करते हैं। तो अभी हालांकि डिक्रीज हुआ है तो हमको डिक्रीज करना पड़ेगा ये वाला वैल्यू, पहले अगर 5 था तो अभी 4 हो गया होगा। तो लेट अस डू द क्वेश्चन। सी अभी मुझे पता है एरिया जो होता है उसमें क्या आता है, एरिया आता है उसमें पाई आर स्क्वायर आता है ना, एरिया आता है पाई आर स्क्वायर आता है उसमें। अब पाई को भूल जाओ, इस वाले पार्ट को याद रखना, मतलब जो आर है, आर आपके पास स्क्वायर हो रहा है ना। तो मैंने बोला अभी अगर 4 हुआ है, पहले आपके पास 5 था, ये ओल्ड है, अभी न्यू ये वाला वैल्यू बना है जिसको निकालना मैंने आपको दिखा दिया है। देखना आर कितना है, आर का स्क्वायर निकालना है। अगर मैं बोलूँ ओल्ड का स्क्वायर करो, इस वाले नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना होगा भाई साहब, सर ये होंगे आपके पास 25। इस वाले नंबर के अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितने होंगे, ये होंगे फिर 16, क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल चला ही जाता है ना। अगर मैं बोलूँ एरिया कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कैसे होंगे, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये हमेशा याद रखना। परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे निकालते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय आपके पास लोअर वैल्यू होंगे या फिर हायर वैल्यू होंगे। जो इनिशियल वैल्यू होंगे, जो इनिशियल मतलब जो ओल्ड वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू होता है, ठीक है। और सिंस परसेंटेज निकाले तो 100% ऐसे करते हैं। तो हायर वैल्यू, अब कोई बोलेगा क्या कि सर 25 और 16 में से हायर कौन सा है, 25 है, 25 से अगर मैं 16 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ कितना आएंगे, सर मेरे पास 9 आएंगे, तो 9 को मैंने लिख लिया है, ठीक है, 9 आएंगे। इनिशियल वैल्यू आपके पास कितना है, इनिशियल मतलब ओल्ड वैल्यू है वो 25 है, तो 25 मैंने यहाँ पे कर लिया इनटू 100%, 25 से मैंने 4 बार कैंसिल कर दिया तो ये 36%। हालांकि इस चीज़ को आप बहुत सुपर फास्ट वे पे कर सकते हो, बस आपको चीज़ों को याद रखना चाहिए, जैसे परसेंटेज दिखे आपको दिमाग में तो आपको इस तरह से करना चाहिए क्वेश्चन को। लेट अस डू, अगर सपोज मैंने बोला, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द फाइनल चेंज इन एरिया। तो फाइनल चेंज एरिया में कितने होंगे परसेंटेज का, वो पूछा जा रहा है आपसे ना। हाउ टू डू, 25% जैसे मैंने देखा, मुझे पता है ये कितना था, 1/4 होते हैं, मतलब ये 1/4 होंगे। पहले कितना था, पहले सर 4 था, अभी कितना हुआ है, अभी आपके पास इंक्रीज किए हैं तो कितना इंक्रीज करना है, 1 इंक्रीज करना है, तो मैंने अभी 5 हो गया होगा, ठीक है। तो एरिया में अभी मैं बोलूँ, अगर मैं एरिया का मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, इस वाले वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 16 होंगे, इस वाले वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 25 होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हायर माइनस लोअर, तो 25 माइनस 16 करेंगे तो ये 9 होंगे, और इनिशियल वैल्यू कितना है, 16 है, तो नीचे आपके पास 16 है इंटू 100% ये करेंगे, ठीक है। इसको कैंसिलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आता है वही होंगे आपके पास फाइनल चेंज इन एरिया, अगर वो वैल्यू बढ़ता है तो, ठीक है। इस तरह से बेसिकली क्वेश्चनों को करा जाता है। होप्सो आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगे होंगे। आप मेरे शक्ल पे पसीना देख सकते हो, कितने गर्मी में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किया है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस मेहनत के लिए, ताकि मैं आगे और क्लास कर पाऊँ। तो आज सर्कल मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा है। आप घर पे बैठ के सारे क्वेश्चंस को लगाओ, इफ़ इन केस कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, तो आप इस व्हाट्सएप में आप मुझे अपना क्वेश्चन को सेंड जरूर करना, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, एंड एक लाइक करके जरूर जाना। बाय स्टूडेंट्स।